नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी और खबरों की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल के साथ। अमेठी की मोहनगंज कोतवाली में तैनात चौकीदार की हार्ट अटैक पड़ने से हुई मौत, ड्यूटी के दौरान घटित हुई घटना, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जगदीशपुर गांव का रहने वाला है मृतक। रायबरेली में मित्रों के साथ पार्टी मनाने गए युवक ने रची अपने अपहरण की साजिश, परिजनों ने नाराज होकर मनाने गया था पार्टी, पुलिस ने किया खुलासा, डी फार्मा का छात्र बताया जा रहा है युवक। हमीरपुर के उमनिया गांव में बेटों ने जायदाद के खातिर की पिता की हत्या, मृतक के छोटे बेटे और नाती ने की रोकने की कोशिश, मौके पर पहुंची पुलिस। रायबरेली के जिलाधिकारी ने 2 एनिमल एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, लंपे वायरस के प्रकोप के चलते शुरू किया गया वैक्सीनेशन कार्य, लक्षण युक्त पशुओं को चिन्हित कर दी जाएगी वैक्सीन। लखनऊ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर करंट की चपेट में आई रोडवेज बस, करंट लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों को उतारा, बीते कई दिनों से खंभे पर झूल रही थी बिजली की तारें, बिजली विभाग की लापरवाही बन सकती थी मौत का कारण। धर्मनगरी काशी में गर्भ में ही मार दी जाने वाली बेटियों के लिए घाट पर किया गया पिंडदान, आगमन संस्था ने 13,000 बेटियों का किया पिंडदान, आचार्यों की उपस्थिति में हुआ यह विशेष अनुष्ठान। जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान मिली सफाई मशीन, नगर पालिका की बताई जा रही सफाई मशीन, आरोपियों की निशानदेही पर जौहर यूनिवर्सिटी में की जा रही खुदाई, छानबीन करती जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस। मुजफ्फरनगर के चरथावल में 7 बच्चों के पिता ने नाबालिग युवती के साथ बहला फुसला कर किया बलात्कार, बनाया वीडियो, ब्लैकमेल कर 1.5 साल लगातार करता रहा पीड़ित का यौन शोषण, आरोपी ने पीड़िता से की 5 लाख रुपए की डिमांड, पैसे न मिलने पर वीडियो किया वायरल। बरेली में थैंक्स गॉड फिल्म के विरोध में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन, अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फूंका पुतला, युवा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया फिल्म में भगवान चित्रगुप्त को अभद्र तरीके से दर्शाया गया।